ओके, तो इस टाइप का 4K 8K फोटो आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखा होगा जो कि अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कैसे आप लोग नॉर्मल फोटो को 4K में या फिर 8K में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना एंड यहाँ पे सर्च करना KREAAI, ठीक है। एंड जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आएगा, सिंपली इस वेबसाइट को यहाँ पे आप लोगों को ओपन करना है। देन गाइस यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आप गाइस सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए सिंपली यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना। यहाँ पे गाइस लॉगिन करना आसान है, ये जो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल लिखा है सिंपली इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे अपना एक जीमेल को सिलेक्ट करना, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। आप गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तीन ऑप्शन है, रियल टाइम, इंस्टेंट AI जेनरेशन, इनहेंसर और यहाँ पे नीचे है AI वीडियो जेनरेशन। तो ये जो यहाँ पे एक इनहेंसर का एक ऑप्शन है तो सिंपली इस पर क्लिक करना। देन गाइज कुछ स्टेप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइज आप लोगों को फोटो को अपलोड करना होगा, तो अपलोड करने के लिए गाइज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करना। देन गाइज यहाँ पे आप लोग जिस फोटो को 8K में या फिर 4K में कन्वर्ट करना चाहते हो सिंपली उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे फोटो जो है अपलोडिंग हो रहा है एंड यहाँ पे फोटो जो है अपलोड हो गया। आप गाइज यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा 2x, 4x, 8x, 16x, तो आप लोग जितना फोटो को यहाँ पे इनहेंस करना चाहते हो वही आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो हम लोग यहाँ पे 16x को सिलेक्ट करेंगे। देन गाइज यहाँ पे एक इनहेंस का ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली इस पर क्लिक करना, तो फोटो जो है यहाँ पे इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड लेट्स सी गाइज यहाँ पे देख सकते हो फोटो जो है इनहेंस हो गया। आप गाइज ये जो फोटो है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना तो यहाँ पे आप लोगों को फोटो दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बिफोर आफ्टर देख सकते हो। तो फोटो को डाउनलोड करने के लिए गाइस सिंपली ये जो यहाँ पे डाउनलोड का आइकॉन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे गाइस डाउनलोड हो जाएगा फोटो, ठीक है। एंड अगर आप लोग किस फोटो को और भी ज़्यादा इनहेंस करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग यहाँ पे बैक आ जाना। देन आप लोग यहाँ पे फिर से इनहेंस पे क्लिक करके फोटो को अपलोड करके इनहेंस कर सकते हो। तो ऐसे करके गाइज आप लोग नॉर्मल फोटो को 4K में या फिर 8K में कन्वर्ट कर सकते हो। यही था आज का वीडियो। वीडियो अगर पसंद है कर देना लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे नए और भी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में।